गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह का पासबुक कैसे बना सकते हैं। अगर आप कैफे चलाते होंगे तो आपके पास कोई ना कोई कस्टमर ऐसा ज़रूर आया होगा जो कि आपसे कुछ इस तरह का कार्ड बना के मांगा होगा जिसमें कि उनका सारा डिटेल्स रहता है। गाइज, अगर आप भी इस तरह का कार्ड बनाना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और हाँ गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही इस तरह का वीडियो लाए तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा आने वाला सभी वीडियो को आप आसानी से देख सके। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, मैं ये कार्ड का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से पहले इस CDR फाइल को डाउनलोड कर लें। गाइज, इस तरह का कार्ड बनाने के लिए आपके सिस्टम में कोडर ड्रॉ का होना ज़रूरी है क्योंकि ये कार्ड केवल कोडर ड्रॉ में ही ओपन होगा। ये कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। गाइस, ये ओपन होने में 10 सेकेंड लेता है तो आप इसे अच्छे से ओपन होने दें। ओपन हो जाने के बाद आप यहां से जूम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे अच्छे से जूम कर ले। जूम हो जाने के बाद आप यहां से टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको जहां भी जो चीज़ को बदलना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहां से इसे हटा करके आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह से आप सभी चीज़ को आसानी से अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यह सारा चीज़ चेंज हो जाने के बाद आपको यहाँ पिक टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एक अच्छा सा फ़ोटो को लगाना है तो फ़ोटो को लगाने के लिए आपको यहाँ फाइल के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना एक अच्छा सा फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो जाने के बाद इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपना फ़ोटो को यहाँ पर इस तरह से खींच करके ड्रैग कर दे। ड्रैग हो जाने के बाद आपको यहाँ ऑब्जेक्ट पे आके पावर क्लिप के ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक कर देना है। देन आपको इस फ्रेम के अंदर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से राइट क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको एडिट पावर क्लिप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। गाइज, अब आप फोटो को अच्छे से कुछ इस प्रकार जूम करके फ्रेम में अच्छे से सेट कर ले। फोटो सेट हो जाने के बाद आपको फिर से आना है ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे। देन यहाँ से आपको पावर क्लिप पे क्लिक करके फिनिश एडिटिंग टूल पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि फोटो फ्रेम के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब आपको इस फाइल को सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+E को प्रेस करना है। देन यहाँ से आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो गाइज, आपका कार्ड बनकर सेव हो चुका है PDF फॉर्मेट में। अब आप इसे प्रिंट करके अपना कस्टमर को आसानी से दे सकते हैं। गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ।